पाकिस्तान भले ही दाने दाने को मोहताज हो गया हो, लेकिन उसने आतंक से अब तक तौबा नहीं की है। पाकिस्तान ने अपनी पूरी नौसेना अरब सागर में उतार दी है। ये ऐसा काम है जिसने भारत समेत पूरी दुनिया को चौंका दिया है। कश्मीर पर हर मोर्चे पर मुंह खाने के बाद अब पाकिस्तान समंदर में नया सैन्य चक्रव्यूह रच रहा है। बताया जा रहा है कि वो अपनी नौसेना को आजमाने के लिए युद्ध अभ्यास करेगा, लेकिन युद्ध अभ्यास की आड़ में समंदर में सेंध लगाने की साजिश कुलबुला रही है। इमरान की आतंकगिरी को रोकने के लिए भारत ने पानी में अपनी दीवार खड़ी कर दी। ये अगर मसला जंग की तरफ चला गया तो याद रखें कि न्यूक्लियर हथियार है दोनों मुल्कों के पास। जमीन पर इमरान की साजिश नाकाम, आसमान में इमरान के उड़ते आतंकी हुए ढेर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हर जगह पिटे इमरान। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। इसलिए समंदर में बिछाया साजिशों का जाल। कश्मीर पर बौखलाए इमरान खान को ना तो दुनिया में किसी का साथ मिला और ना ही आतंक के उनके मोहरे कामयाब हुए। जमीन से आसमान तक इमरान को हर जगह मुंह की खानी पड़ी। कश्मीर में आतंक के उनके मोहरे ढेर हो गए। पंजाब में आसमान के रास्ते हथियार पहुंचाने की चाल नाकाम हो गई। तो अब इमरान और बाजवा की जोड़ी ने समंदर का रास्ता चुना। भारत से हर मोर्चे पर मिली हार से बौखलाए इमरान खान ने अब समंदर का सहारा लिया है। पाकिस्तान नेवी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अरब सागर में युद्ध अभ्यास करने जा रही है। हालांकि दुनिया के दिखाने के लिए तो एक युद्ध अभ्यास है, लेकिन पाकिस्तान इस युद्ध अभ्यास के नाम पर 26/11 जैसी एक और आतंकी वारदात को अंजाम देने का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है। अमेरिका में अमन की दुहाई दे रहे इमरान खान अरब सागर में धमाके कर रहे हैं। अपनी पूरी नौसेना को अरब सागर में उतार दिया है, जहां पाकिस्तान की नौसेना युद्धाभ्यास कर रही है। ये युद्धाभ्यास 25 सितंबर से शुरू होकर 29 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान पाकिस्तान नेवी मिसाइल और रॉकेट फायर करेगी। इसके लिए पाकिस्तान नेवी ने 8 युद्ध पोत समंदर में उतारे हैं। कश्मीर मुद्दे पर भारत और पाकिस्तान आमने सामने खड़े हैं। जाहिर है इस युद्धाभ्यास की आड़ में पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने का मंसूबा बना रहा है। हर एक साल हम उसका ट्रैकिंग करते हैं, बट इस साल वो P-8I पोइज़ेडॉन 8I जो अप्रूव प्लेन पनडुब्बी जहाज एक्सरसाइज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनका रेडार का सिग्नेचर है, कम्युनिकेशन वो देखते हैं, तो ये हर साल होता है। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही इमरान खान लगातार जंग की धमकी दे रहे थे। हालांकि अब वो ये मान चुके हैं कि भारत से जंग लड़ना उनके बस की बात नहीं है। इसीलिए ये खतरा बढ़ गया है कि युद्धाभ्यास की आड़ में इमरान खान और बाजवा की जोड़ी एक और 26/11 की साजिश रच सकती है। माना जा रहा है कि युद्धाभ्यास की आड़ में पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ करा सकता है। इसके लिए मसूद अजहर के जैश मोहम्मद ने पहले ही गोताखोरों की एक टुकड़ी बनाई थी। इन गोताखोरों को युद्धाभ्यास के बहाने भारत में दाखिल कराया जा सकता है। ये आतंकी गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे तटीय राज्यों को निशाना बना सकते हैं। भारत की नौसेना और बाकी सेनाओं ने निगरानी शुरू कर दी। भारत के पास P-8I हवाई जहाज हैं, दोनियर हवाई जहाज हैं, पेट्रोल बोट हैं, तो सब अभी पेट्रोल कर रहे हैं, नेवी के चीफ ने बोला है, तो वो निगरानी शुरू हो गई है, तो हमें जड़ पे पकड़ना चाहिए। पाकिस्तान की 26/11 की एक और साजिश को नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना ने कमर कस ली है। नौसेना प्रमुख पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पर हम आप निगरानी रख रहे हैं और आपको दिलासा दिलाना चाहता हूं कि पूरे सतर्क रहेंगे हम, और कोई भी इनका जो इरादा होगा उसको ना सफल करेंगे। पाकिस्तान ने युद्धाभ्यास की आड़ में इमरान की आतंकी बिसात को पूरी तरह से खत्म करने के लिए समंदर में जबरदस्त पहरा लगाया है। समंदर के रास्ते आतंकी घुसपैठ की साजिश नाकाम करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ साथ
वायुसेना भी मुस्तैद है। यही नहीं, भारत ने पाकिस्तान का युद्धाभ्यास शुरू होने से पहले ही ये चेतावनी भी दे दी है कि अगर उसने आंख दिखाने की कोशिश भी की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। भारत की चेतावनी के बाद पाकिस्तान बुरी तरह से सहमा हुआ है। हताश इमरान खान को अब कोई सहारा देने वाला तो बचा नहीं है। ऐसे में बस अब आतंकवाद की साजिशों का ही सहारा बचा है। इमरान और उनके फौजी जनरल बाजवा किसी भी तरह से बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेनाएं हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। समंदर में रची गई साजिश को नाकाम करने के लिए भारत ने अरब सागर में पहरा कड़ा कर दिया है। पहरे के लिए युद्धपोत उतार दिए गए हैं। यही नहीं, पनडुब्बी से भी पाकिस्तान की हरकतों पर निगाह रखी जाएगी। पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना भी निगरानी करेगी। पोसाइडन 81 निगरानी विमान से पाकिस्तान के पूरे युद्धाभ्यास को देखा जाएगा। इस पहरे के साथ ही भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में बता दिया है कि अगर उसने अभ्यास की आड़ में कोई साजिश अंजाम देने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम पाकिस्तान के युद्धाभ्यास पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं। हम उनकी ताकत को जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही ये भी देखेंगे कि वो किसी तरह के नियमों का उल्लंघन न कर सकें। भारतीय सेना के पहरे और उसकी चेतावनी के बाद पाकिस्तान की साजिशों का नाकाम होना तय। लेकिन अरब सागर में पाकिस्तान भारत के खिलाफ जिस तरह साजिशें करता आ रहा है, उसे देखते हुए भारतीय नेवी पाकिस्तान को कोई मौका नहीं देना चाहती है कि बड़ी खुफिया एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है और हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह ने भी बोला है कि कुछ अटैक हो सकता है, तो पहरा लग जाता है। क्योंकि 26/11 के बाद बहुत तरक्की हुई है, लेकिन महासागर बिल्कुल खुला होता है और हमको तैयार होना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय नेवी कड़ी निगरानी कर रही है। इसके साथ ही नेवी अपने बेड़े में ऐसी ताकत जोड़ने जा रही है जिसके बाद पाकिस्तान को अरब सागर के रास्ते घुसपैठ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान की साजिश को नाकाम करने के लिए समंदर के ऊपर तो पहरा लगाया ही गया है, साथ ही समंदर के नीचे भी कई पनडुब्बियां पाकिस्तानी गोताखोर आतंकियों को मार गिराने के लिए तैयार है। 28 सितंबर से समंदर में एक और रक्षक तैनात होने वाला है और इसका नाम है INS खंडेरी, जो ऐसी पनडुब्बी है जिसकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगेगी और ये चुपचाप दुश्मन को तबाह कर देगी। पाकिस्तान के लिए हर रास्ता बंद हो चुका है। तिल मिलाया पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल हो चुका है। पाकिस्तान दुनिया के सामने कश्मीर को चाह कर भी मुद्दा नहीं बना पाया है। What options have we got apart from this? I mean, we can't attack India. प्रधानमंत्री मोदी ने इमरान खान को अपनी विदेश नीति से करारी मात दी है। हारे और हताश पाकिस्तान के पास अगर कोई रास्ता बचा है तो वो है आतंकी साजिश। हर मोर्चे पर पिटा हुआ पाकिस्तान अब समंदर में साजिश रच रहा है, लेकिन उसकी इस साजिश को नाकाम करने के लिए हमारी नौसेना पूरी तरह तैयार है। समंदर की लहरों को चीरते हमारे युद्धक बेड़े पाकिस्तानी आतंकियों को पस्त करने के लिए तैनात हो चुके हैं, लेकिन अब समंदर में हमारी ताकत और भी बढ़ने वाली है। नौसेना में शामिल होने वाली है कलावरी क्लास की दूसरी पनडुब्बी INS खंडेरी। समंदर में अचूक और अभेद्य पहरेदार बनने वाली है INS खंडेरी। भारतीय नौसेना का सबसे ताकतवर योद्धा स्कॉर्पियन क्लास INS खंडेरी समंदर में दो दो हाथ करने के लिए दुश्मनों से पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं, अत्याधुनिक संसाधनों की वजह से कहीं ना कहीं ये नौसेना का सबसे घातक जो है युद्धक कहा जा सकता है। सबसे अहम बात, इसका आगे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं वो टॉर्पीडो का हिस्सा है, यानी कि किसी भी तरह के एंटी सबमरीन वॉरफेयर हो, एंटी सरफेस वॉरफेयर हो, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना हो या फिर
किसी भी तरह के ऑपरेशंस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो है भ्रम की स्थिति तैयार करनी हो, तो ये टॉर्पीडो जो है वो सबसे अहम भूमिका निभाने का काम करेगा। इस आईएनएस खंडेरी की कई खासियत है जो इसे देश में मौजूद सबमरीन्स में से सबसे बेहतर बनाती है। आईएनएस खंडेरी में 1250 किलोवाट का डीजल इंजन है। इस पनडुब्बी में 360 बैटरी सेल्स हैं। बैटरी से खंडेरी 45 दिनों का सफर तय कर सकती है। बैटरी से ये पनडुब्बी एक बार में 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। खंडेरी को साइलेंट किलर कहा जाता है। खास तकनीक से खंडेरी के इंजन की आवाज बाहर नहीं आती, इसलिए दुश्मन सोनार से खंडेरी का पता नहीं लगा सकता है। खंडेरी दुश्मन के करीब जाकर तबाही मचा सकती है। 28 तारीख को राजनाथ सिंह साहब जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो खंडेरी को कमीशन करेंगे, नेवल डॉकयार्ड में टाइप 17 अल्फा नीलगिरी को लॉन्च करेंगे और बड़ा ड्राई डॉक बॉम्बे में खोलेंगे। आईएनएस खंडेरी वो मारक हथियार है जो दुश्मन की पकड़ में आए बिना समंदर में गश्त भी लगा सकती है और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खेमे में भारी तबाही भी मचा सकती है। 28 सितंबर को जब मुंबई से इस पनडुब्बी को नौसेना के युद्धक बेड़े में शामिल किया जाएगा तो भारत की ताकत और बढ़ेगी और समंदर में साजिश करने वाले पाकिस्तान की बौखलाहट भी बढ़ेगी। देखिए खंडेरी एक बहुत मॉडर्न पनडुब्बी है, उसका सोनार, उसका सुप्टिक्स कंट्रोल, उसका जो AM-39 मिसाइल एक्सोसेट है, ये कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान के पास इतना दम नहीं है। आईएनएस खंडेरी में दुश्मन के बड़े बड़े जहाजों को मार गिराने वाले हथियार लगाए गए हैं। विध्वंसक खंडेरी में 12 टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल एक साथ आ सकते हैं। ये पनडुब्बी पानी में बारूदी सुरंग भी बिछा सकती है। खंडेरी पर एक साथ करीब 40 सैनिक रह सकते हैं। खास तौर पे इसके टॉर्पीडो की बात करें, ये टॉर्पीडो कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है माना जा रहा है, क्योंकि दुश्मन को उसी के इलाके में पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर देने का दम रखता है। सर किस हद तक टॉर्पीडो है और किस क्या क्षमताएं हैं इसकी? जी हमारा इस खंडेरी का कैपेबिलिटी है हैवी वेट टॉर्पीडो इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी रेंज ज़्यादा होती है, उसकी घातक शक्ति ज़्यादा होती है और टॉर्पीडो काफ़ी ही घातक साबित होता है किसी शिप के लिए, तो एक टॉर्पीडो से ही पूरा एक शिप डिस्ट्रॉय हो सकता है। पाकिस्तान चाहे जमीन पर साजिश रचे या फिर आसमान और समंदर में, भारत हर मोर्चे पर मुस्तैद है। भारत के सामने घुटने टेक चुके पाकिस्तान की हर साजिश नाकाम हो रही है। अब समंदर में भी हमारी सेना पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान अरब सागर के रास्ते भारत में आतंकी वारदात को अंजाम देने की साजिश काफी दिनों से करता आ रहा है। इसके लिए पाकिस्तान नेवी के कमांडो ने बहावलपुर में जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग भी दी थी। इन आतंकियों के जरिए भारत पर 26/11 जैसे हमला करने की तैयारी थी, लेकिन नौसेना के कड़े पहरे की वजह से नाकामी ही पाकिस्तान के हाथ लगती है। अब कश्मीर पर हार से पाकिस्तान और भी बौखला चुका है, इसीलिए इस बार युद्धाभ्यास की आड़ में आतंकी घुसपैठ की तैयारी की गई है। पाकिस्तान अरब सागर के रास्ते भारत में आतंकी घुसपैठ कराने की काफी दिनों से साजिश रच रहा है। इसके लिए जैश ने आतंकियों की एक अलग टुकड़ी भी बनाई है। खास टुकड़ी के आतंकियों को गहरे पानी में तैरने की ट्रेनिंग दी गई है और उन्हें पानी में ज्यादा वक्त कैसे बिताना है ये भी सिखाया गया है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान के बहावलपुर में हुई और ट्रेनिंग पाकिस्तान नेवी ने दी थी। पाकिस्तान की इस आतंकी साजिश का पर्दाफाश कुछ दिन पहले ही भारतीय नौसेना के प्रमुख ने किया था। इंटेलिजेंस ये मिला है कि जो जैश ए मोहम्मद का जो अंडरवाटर विंग है, एक वो जो ट्रेन कर रहे हैं इनको, तो ये ही एक चेंज है। पाकिस्तान ने पहले आतंकियों को समंदर से जुड़े हुनर सिखाए, जिसकी खबर हमारी खुफिया एजेंसियों को पहले ही लग गई थी। इसके बाद अब उसने अरब सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया है, इसलिए इसकी आड़ में बड़ी आतंकी साजिश अंजाम दिए जाने की आशंका बढ़ गई। इस 370 जब हमने एब्रोगेट किया वो तो हमारा ही है, हमने किया, लेकिन पाकिस्तान चिढ़ गया है और कुछ कोशिश होगा क्योंकि चाइना